ये जो वीडियो होने वाली है ये स्ट्रेस से रिलेटेड होने वाली है। इसमें मैं डीपली स्ट्रेस का जो कंसेप्ट होता है वो आपको क्लियर करने वाली हूँ। अभी हम बेसिक से जानेंगे, एंड तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है स्ट्रेस से रिलेटेड। अगर स्ट्रेस आपके लिए प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अमेजिंग होने वाली है। तो पहले हम बेसिक से जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, बेसिकली स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसके साथ जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी चेंज आता है, जो भी एक्सपीरियंस हमने किया है, उसे एक एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। जब हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस मोमेंट पे क्या है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। वो फिजिकली भी रिएक्ट करती है, मेंटली भी करती है और इमोशनली भी करती है। और उसी रिएक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है या जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, उसे एक एडजस्टमेंट की जरूरत है। जब वो एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाते हैं तो तब क्या है, स्ट्रेस आता है। अब ये स्ट्रेस तो आ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, स्ट्रेस को नेगेटिव वे में देखा जाता है। इस वर्ड को एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, इसे बुरा समझा जाता है कि स्ट्रेस है, नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस है बहुत बुरा है, स्ट्रेस को दूर करो, ये हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स देगा, मेंटल इश्यूज करवाएगा, दिस दैट। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है और कहीं ना कहीं ये जो धारणा है ये गलत भी, बिकॉज हर बार स्ट्रेस जो है ये हमें इश्यूज ही नहीं देता है, अलग अलग तरह के। कभी कभी स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अब मान लो आपके सर के ऊपर लोन है, आपने कुछ पैसा जो है कर्जे पर उठा रखा है, तो उस चीज से रिलेटेड आप सोचना होगा, आपको ऑफकोर्स सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज आप क्या है, उस लोन से निकलना चाहते हो, उससे छुटकारा चाहते हो, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचना गलत नहीं है, जब आप हद से ज्यादा सोचते हो, इस तरीके से सोचते हो कि आपको मेंटल इश्यूज होने लगते हैं, आप बीमार रहने लगते हैं, आपको रातों की नींद नहीं आती है, तब वो चीज यहाँ पर गलत हो जाती है। जब तक आप सोच रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब आप हद से ज्यादा सोच रहे हो, इस कदर सोच रहे हो कि वो थिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, तब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब क्या है, स्ट्रेस आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। नहीं तो स्ट्रेस क्या है, हमें पुश करता है, हमें मोटिवेट करता है, इसके चक्कर में हम अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम आ रखे हैं, जब तक वो स्ट्रेस नहीं लेगा तब तक तो वो ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा, फालतू की चीजें करता रहेगा, पढ़ने में तो उसका मन लगेगा ही नहीं। जब वो स्ट्रेस लेगा, वो सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, उससे मुझे ये नुकसान है, ये नुकसान है, तब क्या करेगा, वो पढ़ना शुरू करेगा। जब वो पढ़ेगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो पास हो जाएगा, तो उससे क्या है, उस सिचुएशन में स्ट्रेस उसके लिए सही था, स्ट्रेस ने उसे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, उसे पुश किया, उसका काम आसान बनाया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो स्ट्रेस कभी कभी अच्छा भी होता है, बस तब बुरा होता है जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, आपको मेंटल इश्यूज होने लगते हैं, जिसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। जब कोई इंसान जो है वो स्ट्रेस में होता है, उसकी बॉडी पे इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उसे क्या है, स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती है, उसे रातों की नींद नहीं आएगी, दिन भर वो लेजी लेजी घूमता रहेगा, उसे किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम करने के बाद कम्प्लीट तो कर देते हैं, बट हमें ये रहता है ना कि इस काम में करने में मजा नहीं आया, मैंने इसे इंजॉय नहीं किया, मेरे को ना थोड़ा बोरिंगनेस भी आ रही है इस काम में। हालांकि वो काम आपको करना भी है, जरूरी भी है, आपका ड्रीम वर्क ही हो चाहे, फिर भी एक मोमेंट पे आपको क्या है, बोरिंगनेस आने लगती है। व्हाई, बिकॉज आप उस चीज में जो भी चेंजेस चाहिए आप वो सही तरीके से सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो चीज क्या है, आपके लिए स्ट्रेस बनी, उसका सिम्टम ये निकल कर आया कि आपको उस काम में मजा नहीं आया, वो आपको बोरिंग लगने लगा, फिर डाइट से रिलेटेड आपको इश्यूज आने लगते हैं, आपको जो भी आप खाओगे आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा, ठीक है, टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज का, आपकी स्किन के ऊपर जो है उसके सिम्टम दिखने लगते हैं, आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, खून की कमी आप में होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी जो है हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जब हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, इसके कारण क्या है, स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है, तीन चीजें अभी तक मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी हम बात करेंगे चौथी चीज के बारे में कि इसके कॉजेस क्या है, हमें स्ट्रेस जो है ये क्यों आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आपको, मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे, अचानक से आपकी जॉब चेंज आए,
अब आपके जॉब के ऊपर जो सैलरी आपको मिलती है उसके ऊपर अगर घर चल रहा है तो आपको स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की और भी जिम्मेदारियां हैं, तो वो चीज आपको क्या है, एक तरीके से स्ट्रेस लेकर आएगी। फाइनेंशियल इश्यूज जो है स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है, और एक जो बच्चों में स्टडी का जो एक पॉज है ये साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा है, मतलब इसके कारण इवन लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, स्पेशली जिन लोगों के सर पर लोन वगैरह होता है, फाइनेंशियल इश्यूज जो फेस कर रहे होते हैं। और एक जो होते हैं स्टूडेंट, मान लो किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल में, उसके घर वाले पैसे वाले हैं, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगाते हैं, वो बच्चे का सपना है भी नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं, बट फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। वो क्या है, उसे वही स्ट्रीम में डाल देते हैं, फिर जब वो उसमें जाता है वो देखता है आसे पास और जो स्टूडेंट हैं उनका तो सपना होता है डॉक्टर बनना, वो स्टडी भी कर रहे हैं, वो उससे इंटेलिजेंट भी होंगे, तो वो कंपटीशन की तरह देखता है कि कितना टफ कंपटीशन है, इसके चक्कर में वो भी मेहनत करनी शुरू कर देगा, दिन रात जागेगा पढ़ेगा, ठीक है, कि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो, मैं फेल ना हो जाऊं, अलग अलग तरह के उसे डर है, इस चक्कर में वो स्ट्रेस में रहने लगता है और मेंटली एक मोमेंट पे जाकर वीक हो जाएगा, जिसके वजह से क्या है बीमार पड़ जाएगा, अलग अलग तरह की उसे बीमारियां लगने लग जाती हैं। तो इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सुसाइड तक भी कमिट कर जाते हैं, बिकॉज चीजें उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये तो हो गया इसके कॉजेस, अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं ये दो ही होती हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शीट स्ट्रेस, उसके भी आगे दो टाइप्स होती हैं, उन दोनों टाइप्स के भी आगे दो दो टाइप्स होती हैं, तो कुल मिलाकर 7 से 10 के बीच में इसकी टाइप्स जो है चली जाती हैं। मेन तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ही है, उसके आगे तो टाइप्स होती है, उसमें आप जान सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रेस आप ले रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आ सकती हूँ। अब ये हो गया मेन कि स्ट्रेस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, स्ट्रेस अच्छा है बुरा है। मेन चीज कि स्ट्रेस में लड़के कैसे रिएक्ट करते हैं और लड़कियां रिएक्ट जो है स्ट्रेस में कैसे करती हैं, बिकॉज ये जानना भी जरूरी है, दोनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ताकि हम सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ पाए, इसके लिए इसे थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो जो मेन होते हैं वो स्ट्रेस में रिएक्ट कैसे करते हैं, वो लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, जब उन्हें किसी एक चीज का स्ट्रेस होता है ना, वो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमती है, उनके दिमाग में बहुत ही ज्यादा वो फोकस्ड हो जाते हैं, इतना फोकस्ड कि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते हैं उनका किसी और चीज पर ध्यान नहीं जाता। और वहीं पर विमेंस का क्या रहता है, वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, सोचती बहुत ज्यादा है, बट बात वही कि वो टॉकेटिव होती है, तो उनका क्या है ये रहता है कि मेरे को कोई सुन ले, उन्हें बस होता है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके स्ट्रेस का कारण है, जो भी चीज उन्हें ट्रबल दे रही है, वो किसी को बता दे, फिर चाहे सामने वाले इंसान से उनका उनको सोल्यूशन मिले चाहे ना मिले, उनका ये रहता है कि हम जो है सामने वाले को बता दें, तो वो क्या है बात ज्यादा करते हैं। और लड़के जो है अब प्रॉब्लम के बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत देर तक सोच रहे हैं, बट वो सॉल्व नहीं है, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक दो दिन में सॉल्व नहीं होती हैं, टाइम लेती हैं, तो उनके चक्कर में वो स्ट्रेस में है, चीज सॉल्व नहीं हुई, तो वो ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं जो उनके ब्रेन की पावर 5% से कम लगे जाएंगे, वो ऐसी एक्टिविटीज में क्या है बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं। और वहीं पर विमेंस क्या है, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और चिड़चिड़ापन जो है उनके बिहेवियर में वो बहुत ज्यादा आ जाता है जब उन्हें कोई चीज स्ट्रेस देती है। ये चीज थी, ये एक बुक से मैंने पढ़ी है और ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी कि आप जान पाओ। और लड़की आप कितना भी पूछोगे ना उनसे कि क्या कॉज है आपके स्ट्रेस का या आपके बिहेवियर चेंज है, क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बताते, आप कितना भी पूछ लो वो नहीं बताएंगे, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये था कि डिफरेंटली थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं मैन और वुमेन। अब मान लो आप स्ट्रेस में हो, आपको ये पता चल गया है कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो स्ट्रेसफुल है, और आप स्ट्रेस को ओवरकम करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो मेन चीज कि स्ट्रेस जो हुआ इसका मेन कारण क्या रहा, वो है आपकी एक्शंस। आपने जो भी काम किया, मान लो आपने आज कुछ भी किया, आपने एक्शन जो भी लिए अपने पास्ट में, आप चाहते थे कि मेरे को ऐसे रिजल्ट मिले, बट रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट मिले, जैसे आप नहीं चाहते हो वैसे रिजल्ट आप मिल गए,
अब ये क्या है आपके लिए चेंज है और इसे क्या है एक एडजस्टमेंट की जरूरत है। वो एडजस्टमेंट अगेन वहीं पर डेफिनेशन में आ गए ना कि वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाए, आपको स्ट्रेस आने लगे। तो मेन कारण क्या है यहाँ पर आपके एक्शन। तो एक्शन जो भी आपने लेना है ना बहुत सोच समझ कर लेना है कि इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं तो कुछ ऐसा तो रिजल्ट मिले जो उसके आसपास हो, जिसे आप बाद में कवर अप कर पाओ। ठीक है, तो एक्शंस आपने बहुत ध्यान से लेनी है। बाकी रही बात जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हमारे आसपास जो एनर्जीज हैं, जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हो, जब उसमें चेंजेस आते हैं, जब चीजें आपके हाथ से निकलती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब क्या है आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो इसे ओवरकम करने के लिए पहली चीज जो आप करोगे, एक्शन आपने सही लेना है। दूसरी चीज कि आपने जो है ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपने पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी, एक बार प्रॉब्लम मिल गई उसके बाद उसे सॉल्व करो। अब ये भी नहीं है कि सॉल्व एकदम से हो जाएगी, अगेन कुछ चीजों में टाइम लगता है, बट आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहना है। क्योंकि जड़ से स्ट्रेस तभी खत्म होगा जब आप उस चीज को सॉल्व कर दो। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी, कहीं ना कहीं वो चीज आपको ट्रबल करती रहेगी। तो इन शॉर्ट क्या है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक आप क्या करो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग से आप निकलो। थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज बैड, वेरी बैड। ओके, ओवर थिंकिंग से आपने निकलना है, थिंकिंग आप कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब एक दिन में सुबह करिए, दोपहर को करिए, शाम को करिए। 15-20 मिनट आपने कुछ ऐसा करना है कि आपने ध्यान करना है, आपने सोचना नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो आंखें बंद कर काम तरीके से उस चीज के बारे में सोचो और पॉजिटिव वे में सोचो। इसके लिए आप कुछ एफर्मेशंस होती हैं, आप उन्हें भी जो है यूज कर सकते हो। बाकी जो चीजें लॉन्ग टर्म में आप नहीं चेंज कर सकते हो अभी प्रेजेंट में, उन्हें आप एक्सेप्ट करो। जिन चीजों को आप अभी चेंज नहीं कर सकते हो ना, 5 साल बाद 10 साल बाद जो होगा उनका देखा जाएगा, उन्हें आप सिंपली है एक्सेप्ट करो। पता क्या है, हम ना बहुत सारी चीज अपनी जिंदगी में ऐसे उठाकर घूम रहे हैं, एक ना बोझ बन गया है वो चीजें हमारे दिमाग पे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जबकि इन सब की जरूरत नहीं है, ये सब होने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं उन्हें चुन लो, वो अगर सही चल रही है ना तो जिंदगी आपकी सही है। वो फालतू का जो बोझ है ना उन्हें निकाल दो। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद की जो टेंशन है, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, उन्हें हटा दो। ऐसे सिचुएशन में उन्हें हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ओके, आपने पहले तो उन्हें हटा दो। नाउ द मेन थिंग, आपने एक्शन मोड में आना है, थिंकिंग मोड से आपने निकलना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। मान लो अपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती करती जिसका ना तो अभी आपके पास कोई सोल्यूशन है और ना ही आप किसी को बता पा रहे हैं उसके बारे में, और वो चीज अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, आपको हर बार पकड़े जाने का डर है, तो वो चीज आपको स्ट्रेस करेगी, ऑफकोर्स करेगी। आपकी रातों की नींद उड़ेगी, ऑफकोर्स उड़ेगी। उस चीज में क्या है, आपने अपने थिंकिंग मोड को ऑफ करना है। अगर कोई सोल्यूशन मिले तो ठीक है, नहीं तो सिंपल अपने माइंड को आप जो है रिलैक्स करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन मिल गया है, एक्शन मोड में लेकर आओ। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है जो लोग स्टडी करते हैं। हमने भी स्टडी करी है, हमने भी प्लान्स बनाए हैं, हमने भी एग्जीक्यूट किए हैं, हमने भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, बट थिंकिंग मोड में रहकर नहीं। आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा, थिंकिंग मोड को आपको ऑफ करना ही पड़ेगा। एक बार बैठो, 2-3 घंटे लगाओ, जो भी है आपकी प्रॉब्लम है चाहे स्टडी है, उसका एक एग्जैक्ट क्लियर आपने प्लान बना लेना है। जब वो आपका प्लान बन गया है, आपको पता है चीज आपके हाथ में, बस उसे एक्शन मोड में लेकर आ जाओ। चाहे एक दिन में आप थोड़ा सा ही टाइम दो उसे, थोड़ा सा भी आप कर पाते हो। मान लो एक चैप्टर आपने किया, 2 चैप्टर कर लो, 2000 क्वेश्चन ही करो, कुछ तो निपटेगा ना, कुछ तो होगा ना, एक्शन तो लिया, कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना उस चीज का। तो आपने थिंकिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में जो है आना है, बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपकी हैबिट सेम है ना, आपके रिजल्ट भी सेम ही रहेंगे। कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलोगे तब तक कुछ
कुछ नहीं होने वाला, ये स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं जाने वाला जिंदगी में से, क्योंकि स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। अच्छी बुरी आदतों का मुझे नहीं पता, जो भी आपकी हैबिट्स है, कुछ का हैबिट्स होती है अननेसेसरी, आलतू फालतू की हमने अपने आसपास ऐसे रखी होती है, पहले तो उनसे आपको छुटकारा चाहिए। जितना ज्यादा टाइम आप अपनी उस चीज में दे सकते हो ना, उतना ज्यादा आप उस चीज में अपना टाइम दो, ताकि वो चीज क्या है आपको जो चाहिए उसमें से वो मिल पाए, और आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा खत्म हो, और यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन, ये बहुत जरूरी है कि आपने ये चीज करनी है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। अगर आपको अपने रिजल्ट्स चेंज करने हैं तभी आप एक्शन भी ले पाओगे, नहीं तो लीजी लीजी ऐसे घूमते रहोगे पूरा दिन, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, तो ये चीज आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करो। बाकी वो मैंने आपको बताया ही था कि जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो उसे सिंपली आप एक्सेप्ट कर लो, अपने माइंड को बस रिलैक्स रखो ऐसी सिचुएशन में। आपका रब के ऊपर विश्वास है, परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास है, अगर आपका ईश्वर पे विश्वास है ना, उसके ऊपर वो सारी चीजें छोड़ दो, वो खुद ही देखे। आपने सिर्फ फोकस करना है मेरी चीज के ऊपर, उसे सॉल्व करने के लिए आप पूजा पाठ करो, आप जो भी वाणी है या जो भी मंत्र है आप उसका जाप करो, चाहे कुछ देर के लिए सही, आपका ध्यान तो हटेगा ना अपनी प्रॉब्लम से, ध्यान तो हटेगा ना, आपको थोड़ा सा तो रिलैक्स फील होगा ना, तो आप वो चीज कर सकते हो। आपकी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है आप भगवान को दे दो कि आप ही इसको सॉल्व करो, मेरे बस का नहीं। कहीं ना कहीं कोई तो आपको ऐसा लगेगा ना कि है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई आपकी उम्मीद है, और उस उम्मीद के आश्रय आप अभी जिंदा रह सकते हो, अच्छा खासा अपना कामकाज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं कुछ आप जिन्हें ट्राई कर सकते हैं जब आप स्ट्रेस में हो। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, किस काम में स्ट्रेस नहीं है, हर एक काम में स्ट्रेस है। जब हम स्टूडेंट थे तब भी हमें स्ट्रेस था कि हमें पढ़ना पड़ता है, अब हम स्टूडेंट नहीं है तब भी हमें स्ट्रेस है क्योंकि जॉब करनी पड़ती है, काम पे जाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बनाओ, ये मीटिंग, ये वो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसमें भी स्ट्रेस है। यूट्यूब के लिए चाहे पीलिंगली कंटेंट बना रही हूँ बट इसमें भी टाइम जाता है, मेहनत जाती है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस कर रही है। अगर मेरे पास जॉब नहीं होता, यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी नहीं बना रही होती, तब क्या होता, वो भी चीज स्ट्रेस कर रही होती कि कैसे बेले बैठे खाए जा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। तो हर एक चीज में स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तब तक रहेगा ही जब तक आपकी लाइफ रहे। बस यहाँ पर ये चीज आपको ट्रबल नहीं करनी चाहिए, तब तक स्ट्रेस अच्छा है, इसे देखने का बस नजरिया है। अगर स्ट्रेस बुरा है, बेकार है, आपको आलसी बनाता है, आपको मेंटली इश्यूज दे रहा है, तो स्ट्रेस बुरा है। अगर स्ट्रेस अच्छा है, आपको मोटिवेट करता है, काम के लिए पुश करता है, आपको अच्छा लगता है कि आपके पास काम है, अगर काम है तभी तो स्ट्रेस है, अगर नहीं होता तब क्या, राइट? तो क्या है, स्ट्रेस अच्छा। बस मेन चीज ओवरऑल इस कंसेप्ट की जो मेरी स्टडी के ऊपर निकल कर आई है ना, जितना भी मैंने इसके ऊपर टाइम दिया है इस चीज के ऊपर, वो यही है कि आप अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों खुली रखो, इनका अच्छे से प्रॉपर यूज करो, बस आपके दिमाग को वो चीजें खराब नहीं करनी चाहिए। जिस भी चीज का स्ट्रेस है तब तक ओके है जब तक वो आपके लिए एक मेंटल इश्यू नहीं बन जाए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थिंकिंग करो उसके बाद प्लान बनाओ, एक्शन लो। पास फेल तो है ही, किसी में आप पास हो जाओगे किसी में फेल हो जाओगे, ट्राई करना आपका काम है, बस आप ट्राई करते रहो।